आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गूथे आटे की ऐसी फटाफट वाली रेसिपी, जिसको बनाने के बाद ना आपको रोटी सब्जी बनानी पड़ेगी और ना ही दाल चावल। तो है ना सुपर हिट रेसिपी, एक बार बनाना तो बनता है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और फटाफट से बन जाती है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा हल्का फुल्का सा रेसिपी। इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये चार सूखी वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कली को मैंने छील लिया है। तो आप मिर्च की क्वांटिटी अपने सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। तो इसका हम पीस के पेस्ट बना लेते हैं। अब मैंने ले लिया है ये लाल मसूर की दाल, ये इस टाइप की होती है, आप देख सकते हो। आप डेली इसे खाने में भी यूज करते होगे। अगर आप इस रेसिपी में इस दाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, अपनी इच्छा अनुसार आप तुअर दाल या मूंग दाल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस दाल से ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए आज मैं इस दाल का यूज कर रही हूँ। तो इसे मैंने बढ़िया से वॉश कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रख दिया है पतीला और इसमें 1 लीटर पानी मैंने डाला है और पानी में अच्छा सा उबाल आने लगा है हल्का हल्का। तो हम इसमें दाल को ट्रांसफर कर देंगे। इसमें हम अच्छा सा उबाल आने देंगे, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। सो गाइस, मैंने ले लिया ये गुथा हुआ आटा। तो आटा आप पहले से गुथा आपके पास रखा हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या कभी कभी रोटियां बनाते समय आटा हमारा थोड़ा सा बच जाता है तो उस आटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इस रेसिपी में। आटा मैंने एकदम रोटी के जैसा बेला है, मतलब कि गूंथा है, जैसा कि रोटी के लिए हमें आटा चाहिए। और इस पे मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, ना नमक ना तेल, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल सा आटा मैंने गूंद लिया है। तो इस टाइप से रोटी से थोड़ा सा बड़े आकार का गोला मैंने बना लिया है और इसे रोटी के साइज का हम बेल लेंगे। इधर हम अपनी दाल को भी चेक कर लेते हैं। दाल में अच्छा सा उबाल आ चुका है और ये जो आप चारों तरफ देख रहे हो व्हाइट व्हाइट सा झाग है, इसे हम निकाल देंगे। इससे इसका टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा और ये एकदम अच्छा नहीं लगता है, इसे हम निकाल के अलग कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, तो रेसिपी आपको जितना बनाना है उतना स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो मैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम डाल देंगे लहसुन मिर्ची का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था वो, और इसे बढ़िया से उबलने देंगे। एक बार सभी चीजों को चला लेते हैं और चलते हैं अब अपने रोटी बनाने के प्रोसेस में। सूखा आटा लगाते हुए मैंने इसे रोटी जैसा बेल लिया है और आप देख सकते हो इसकी थिकनेस मैंने रोटी से थोड़ा सा ज्यादा रखी है, थोड़ा सा मोटा। और एक ग्लास ले लेंगे और इसे हम गोल गोल कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड। अगर आप कभी कहीं से थक के आए हो या फिर आपको रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं है तो इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगी। तो इस टाइप से कट कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा का है इसे हम हटा देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी सी पूड़ियां बना के रेडी कर ली है। अब हम इसका क्या करेंगे, इस टाइप से हम शेप दे देंगे। हाथों में इस टाइप से लेंगे, इधर से फोल्ड करते हुए बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही यमी लगती है फ्रेंड, एक बार बना के देखिएगा मजा आ जाएगा। तो इस तरह से मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ आपको। वीडियो देखते देखते फ्रेंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है प्रिया लाइफस्टाइल बनारसी। इस टाइप से सारे ही रेसिपी को हम बना कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी सारी रेसिपी को बना के तैयार कर लिया। और हाँ गाइस, इसमें बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा मैंने छिटक दिया है कि आपस में ये चिपके नहीं। चलते हैं दाल के को देख लें कि दाल का क्या हालचाल है। दाल भी हमारे बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है और ये हल्के से कुक भी हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को हम इस दाल में ट्रांसफर कर देंगे।
बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड, और बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाती है और सबको पसंद आ जाती है। और आप रोटी सब्जी रोज रोज खा के हो गए हो बोर, तो इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना, बहुत पसंद आएगी। सारे ही आटे की बनी हुई रेसिपी को मैंने इस दाल में ट्रांसफर कर दिया है और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे और इसे कवर कर देते हैं। कवर करते हुए हम इसे 10 से 12 मिनट पकने देंगे और बीच बीच में एक दो बार चला लेंगे। तो इस टाइप से आप ढकेगा कि नीचे दाल गिरे नहीं। मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, चला लेंगे और इस टाइप से चेक करेंगे कि हमारी रेसिपी सही से पक गई कि नहीं। तो एक फोक की सहायता से बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी बहुत अच्छी तरह से एकदम पक गई है। अब हम अपनी रेसिपी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे यम्मी वाला तड़का। तो उसके लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का ऑयल। आप चाहो तो देसी घी में तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इस रेसिपी के लिए सरसों का तेल यूज करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसी स्टेज पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा राई, चटकने देंगे। दो सूखी लाल मिर्च, फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे। लंबाई पीसेस में कटा हुआ मैंने लहसुन ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और एक छोटा सा बारीक प्याज को मैंने कट कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। और हल्का सा कलर गुलाबी होने तक हम इसे भून लेंगे। सभी चीजें अच्छे से भून चुकी है और इसमें जो लहसुन का टेस्ट आता है बहुत ही कमाल का आता है, एकदम सोंधा सोंधा। तो फ्लेम को करते हैं ऑफ और इस रेसिपी में लगा देते हैं तड़का, इसे अच्छे से मिला के बस एक मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तैयार है फ्रेंड्स झटपट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट, लंच और या डिनर में भी बना सकते हो, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, ऑल टाइम फेवरेट है। और त्यौहार के बाद कुछ हल्का फुल्का सब बनाना चाहिए, बहुत हैवी हो जाता है। तो इस टाइप से ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से शेयर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके फ्रेंड, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।